नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आदिवीरा पॉइंट। गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं ग्रामीण डाक सेवक की, जो कुछ महीनों पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था उसका रिजल्ट अब जारी कर दिया गया है। तो आपको टाइप करना है गूगल या क्रोम, कहीं भी आप कर सकते हैं GDS या फिर आप कर सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक। आप इसको सर्च करेंगे तो आप इस प्रकार का सरफेस आपके लिए खुल के मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं मध्य प्रदेश में जो 2834 पदों पर जो रजिस्ट्रेशन कराए गए थे, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप यहाँ क्लिक करके ये रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ओके, और या फिर आप यहाँ जाकर भी रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों में से कहीं भी हो सकता है, कुछ लोगों के मोबाइल में इसको डाउनलोड करने के बाद ओपन ना हो रहा हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपके लिए इसकी PDF मैं सेंड कर दूंगी। क्योंकि ये लैपटॉप में खुल रहा है, मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा है कुछ प्रॉब्लम के कारण, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं इसकी लिस्ट आपको सेंड कर दे रही हूँ। ये देखिए, इस प्रकार की लिस्ट यहाँ पर खुल के मिल गई है, जो PDF रीडर में ओपन नहीं हो रही थी, बाकी जो मोबाइल का ब्राउज़र उसमें ओपन हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है, यहाँ पहले भोपाल का दिया और इस प्रकार से हर जो है डिस्ट्रिक्ट का दिया गया है, और पोस्ट नेम दिया गया है, यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनका नाम दिया गया है, मार्क्स दिए गए हैं और किस कैटेगरी से हैं ये भी दिया गया है। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है रिसिता पटेल, इनके थे 95.5% और ये OBC कैटेगरी से हैं, इनका भोपाल डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, और इनका जो ये है ये BLH रहेगा, ये ग्रामीण डाक सेवा की इनकी पोस्ट दी गई है कि पोस्ट किस पोस्ट में हुआ, और ये अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट हुई हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप अपना नाम देख सकते हैं नीचे, जो जिस डिस्ट्रिक्ट से है या किस गांव में आपने जो अप्लाई किया था, तो वहां देख सकते हैं। अगर बात करें यहां पर कट ऑफ की, तो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग गया है। जैसा आपको ध्यान होगा कि गांव के अकॉर्डिंग आपने भरा होगा कि जो किस जिस गांव में है उसके अनुसार आपने अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन हुआ था, डिस्ट्रिक्ट वाइज किया था। तो हर जगह यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है कट ऑफ अलग अलग गया है, तो किसी का 91% पर भी हो गया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 97% है इनके, शुभम कुमार 97% अनरिजर्व कैटेगरी से भोपाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो इनका 97% में हुआ है। यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं या फिर आपने किस गांव से अप्लाई किया था, तो यहाँ पर आप वो पोस्ट देख सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना नेम देख सकते हैं, साथ ही परसेंटेज या फिर आपने आसपास जिस गांव में अप्लाई किया था तो वहाँ पर कितने परसेंटेज वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन वहाँ पर हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पर लगभग जो है 90 के एवब जिनके परसेंट थे उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ आप देखने मिलते हैं ST कैटेगरी में, यहाँ पर 88% पर इनका सिलेक्शन हो गया है, और अधिकतर आप देखेंगे कि 90% से जो ज़्यादा हैं उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है, और 90% से कम में बहुत कम हुआ है। सिर्फ एक नाम आया था, 83% में सिर्फ एक पोस्ट पर किसी का हुआ है, जो कि मैं अब नहीं दिखाई दे रहा है, पर एक कैंडिडेट भी हुआ था 83% पर। ये देखिए, आप देख सकते हैं 85% पर यहाँ पर हुआ है सिलेक्शन, बाकी आप सब देख रहे हैं जो 90 के एवब हैं उन्हीं का हुआ है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सर्च कीजिए, और फिर आप अपना नेम देख सकते हैं कि आपका नेम क्या है। इसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लीजिए कि आपका नाम है या फिर नहीं है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं सारी लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। जिनके लिए जानकारी नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, ये ग्रामीण डाक सेवक वह पोस्ट है जिस पर 10th के परसेंटेज के बेस पर अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, आपको फॉर्म फिल करना होता है और उसके बाद परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर जो है सिलेक्टेड लिस्ट जारी कर दी जाती है। लगभग हर साल ही ये रजिस्ट्रेशन, हर साल नहीं होते तो 2-3 साल में जो है इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, सारी लिस्ट जो है यहाँ पर जारी कर दी गई है, तो आप अपना नेम इसमें सर्च कर सकते हैं कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है। और यहाँ पर देखें, ये मिल गया, एक कैंडिडेट है जो ST कैटेगरी, यहाँ पर इनका 80% में हुआ है। हो सकता है जिस गांव से इन्होंने अप्लाई किया हो, ये मुरैना से हैं, तो
जिस गांव से इन्होंने अप्लाई किया हो वहाँ इससे ज़्यादा परसेंटेज का कोई कैंडिडेट ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ पर ST कैटेगरी की जो है सीट है और इस कारण का सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो आपको तो अपने नाम से मतलब है कि आपका नेम आया है या नहीं आया है। तो अगर आपकी 80 से ज़्यादा प्रतिशत थे और आपने यहाँ पर अप्लाई किया था तो आपके लिए एक चांस बनता है, तो आप इस लिस्ट को ज़रूर देखिए। और इस प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।